तो चलिए दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे नए कैनन 1300D DSLR की। ओके, तो इस बॉक्स में सबसे पहले मेरे पास एक बैग है, इस पे EOS लिखा हुआ है। ओके, अच्छा ये चिप खोलते हैं। ओके, रेड एंड ब्लैक कलर का, अच्छा कुछ कागज़ भी है इसमें। ओके, प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग DSLR, ठीक है, फाइन। ओके, इसको हम लॉक करके साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट में क्या क्या है। ओके, चलिए इस बॉक्स को दूर रखते हैं फिलहाल। और ये है हमारे पास कैनन का हमारा EOS 1300D। जी हाँ, इसके साथ एक लेंस किट है 1855 IS2। ये IS मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आप मान लीजिए बाइक वगैरह पे जा रहे हैं और आप कुछ शूटिंग करना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो इमेज स्टेबलाइजेशन मींस आपकी जो इमेजेस हैं वो हिलेंगी नहीं बहुत ज़्यादा, उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए है। ओके, हमारे पास एक 16 GB का कार्ड है, और जी हाँ ये जो कैरी केस मैंने आपको दिखाया वो है। ओके, 18 MP का कैमरा ये वाला है। ओके, और क्या क्या फीचर्स हैं इसके? जी हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि आप इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इसके फोटोज़ आप भेज सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप्स पे। इसमें कुछ खास नहीं लिखा है दोस्तों, इसको हम स्किप कर सकते हैं। और ये भी कुछ खास नहीं, कौन कौन से विंडोज़ वगैरह की डिटेल्स है। जी हाँ, ये देखिए वाईफाई सर्टिफाइड और HDMI केबल वगैरह का डिटेल्स दिया हुआ है। सो आई थिंक कंटेंट्स में आपके पास ये देखिए क्या क्या है। 1300D EOS अंदर रहेगा, ये जूम लेंस, 1855 mm का जूम लेंस, बैटरी चार्जर, बैटरी पैक, इंटरफेस केबल, ये सारी चीज़ें आपको इस पैक के अंदर मिलेंगी। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। ओहो, ओके, कैनन वालों ने पैक तो बहुत बढ़िया किया है दोस्तों, देखते हैं प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ओके, अब मेरे पास, मेरे हाथ में है EOS Rebel T6 का ये बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। मेरे ख्याल से ये पूरे कैमरा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी और काफ़ी डिटेल्ड लग रहा है मुझे, लगभग 100 पेज से ऊपर का डिटेल्ड मैनुअल डिस्क्रिप्शन है। चलिए उसको साइड रखते हैं, नेक्स्ट हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या है। तो मेरे पास है 2 साल का वारंटी कार्ड, और ये है मेरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम बाद में भी देख सकते हैं। चलिए, ओके, ये बेसिकली वो बैग जो मैंने आप लोगों को दिखाया उसका स्ट्रैप होगा, कैनन लिखा है, ठीक है। ये रहा 16 GB का लेक्सर का कार्ड। ओके, लेक्सर का कार्ड 16 GB का, ये पावर कॉर्ड आपका चार्जर मीन्स बैटरी चार्ज करने के लिए, और ओके, ये है बैटरी का चार्जर, यहाँ पे आप अपनी बैटरी को प्लेस करके उस पावर कॉर्ड के साथ जो मैंने आपको दिखाया उसको इंसर्ट करके आप अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए चार्ज आपका हो रहा है या फिर फुल हो गया है, ये सब आपको डिनोट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, ये तो डेटा केबल है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अब मैं क्या बताऊं। तो चलिए अब हम असली चीज निकालते हैं। ओहो, कुछ एक और है साइड में लिख रहा है, ओ सॉरी, ये रहा आपका बैटरी। जी हाँ, ये है बैटरी विद केस, कैनन लिखा हुआ है। ओके, ये है 860 mAh की बैटरी है। ओके, ठीक है, तो इसको भी मैं रखता हूँ अभी साइड में, एंड मैं निकालता हूँ हमारा मेन प्रोडक्ट कैनन का 1300D
जी हाँ, बढ़िया पैक, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को बहुत बढ़िया पैक करके दिया है इन्होंने। ओके, तो ये है कैनन 1300D, ठीक है, ये देख लीजिए। ओके, इसके ऊपर ये यहाँ पे आपको लेंस कनेक्ट करना है, ठीक है। ये कैप उन लोगों ने लगा दिया है, मैं कैप को ओपन करता हूँ। ओ अच्छा, मुझे यहाँ पे लेंस फिट करना पड़ेगा। जी हाँ, लेंस घबराइए मत, मेरे पास इन्होंने दिया है 1855 mm का लेंस, जो मैं बोल रहा था आपको वो है। दिखाऊंगा आपको मैं सब कुछ, चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या करना है। पहले देख लेते हैं ये प्रोडक्ट, EOS 1300D, 3 इंच का जो डिस्प्ले है ये यहाँ पे। सारे बटन्स तो वैसे कुछ खास यूजेज अभी मुझे पता नहीं है, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। एक डेफिनेटली मैं ट्यूटोरियल बना के आप लोगों को बता दूंगा। ओके, ये डिफरेंट मोड्स के लिए है, आप इनको मूव कर सकते हैं आपको जैसे भी मोड में, नाइट मोड हुआ या फिर आपको ब्यूटिफिकेशन मोड में करना है, टीवी मोड में, जो भी आपको जिस टाइप का चाहिए, लाइव रिकॉर्डिंग में करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए, ऑन ऑफ का एक बटन भी दिया हुआ है इसके लिए। ओके, ये ग्रिप बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, आप अगर यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हैं कैमरा को, आपकी 4 उंगलियाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया ग्रिप है, आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। और ओके, ये है जूम का बटन, जूम आउट और जूम इन करने के लिए। यहाँ से आप मेन्यू सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली फ्लैश का होगा। अच्छा, नीचे ये आपका ट्राईपॉड स्टैंड है, आप अपने ट्राईपॉड स्टैंड पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कार्ड या बैटरी इंसर्ट करने के लिए आप सीधे इसको ओपन कीजिए, जी हाँ, पुश कीजिए, यहाँ से आप बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर ये साइड साइड के स्लॉट में आप कार्ड डाल सकते हैं। और क्या है, ठीक है, बाकी यूजेज का मैं जैसा आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि मैं ट्यूटोरियल आप लोगों को बिल्कुल बताऊँगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लेंस फिट करने का कैसा क्या सीन है। इसको मैं रखता हूँ साइड में। ये देखिए, ये है 1855 mm का लेंस विथ इमेज स्टेबलाइजर, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था। ओके, इसको ओपन किया और मैं अब इसको फिट करने जा रहा हूँ कैमरा में। तो देखिए दोस्तों, फिट करने के लिए बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये देखिए एक वाइट डॉट है, ठीक है, और यहाँ पे एक वाइट डॉट है, आपको बराबर से ये दोनों को एकदम इस तरह से करके लीजिए। हो गया आपका फिट लेंस, और इसका कैप ओपन कर देता हूँ मैं। जी हाँ, तैयार है आपका कैनन 1300D फॉर यूजेज। ये देखिए दोस्तों, लेंस, अब इसका यूजेज कैसा है, इसकी इमेज क्वालिटी कैसी आएगी, ये सब देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से। एंड दूसरी चीज़, आप बिल्कुल सस्ते में इसको कैसे और कहाँ से, किस वेबसाइट से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे देख लीजिए पूरे डिटेल्स। तो ठीक है, अभी के लिए फिर इतना ही। अच्छा चलिए, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, लेंस निकालना कैसे है। आप यहाँ से इसको लेफ्ट में प्रेस कीजिएगा एंड ये आप लेंस डिटैच कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। और आप जब फिर से नेक्स्ट फिट करना चाहे, ये वाइट और वाइट को ध्यान में रख के, ये लीजिए आपका लेंस फिट हो गया है और आपका कैमरा रेडी टू यूज़ है। अभी इसमें बैटरी इंसर्ट करना है, डेटा कार्ड इंसर्ट करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।